Now we are going to start with question number 5 of course sheet, and most probably it is the last question, and we have also covered 3 or 4 questions as part of your homework. So let's start with the question. The books of Vijay Manufacturing Company present data for April. So we are having the data for the month of April of Vijay Manufacturing Company. They are saying direct labor cost is 17,500, being 175% of work overheads. Means direct labor cost हमें दी हुई है और बोला है कि वो 17,500 की कॉस्ट है, और ये 17,500 आया कैसे? वर्क ओवरहेड का 175% करोगे आप तो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी. एक तो उन्होंने आपको अमाउंट बता दी, प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वर्क ओवरहेड्स का एक रिलेशन बता दिया आपको कि वो एक 175% है वर्क ओवरहेड्स का. COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज रुपीज 56,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बता दिया कि अगर हम COGS में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करते हैं तो हमारी COGS आएगी 56,000. देन वी आर गिवन कि अप्रैल 1 एंड अप्रैल 30 को हमारे पास कुछ डेटा है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स. मीन्स ये ओपनिंग फिगर्स हो गई, ये क्लोजिंग फिगर्स हो गई सारी. और बाकी का डेटा गिवन है, अदर डेटा आर सेलिंग एक्सपेंसेस 3500. 3500 के हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं. जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए गए हैं 2500, और सेल्स बोला है जो उस पर्टिकुलर मंथ की है, अप्रैल मंथ की जो सेल्स हैं वो हैं 75,000. सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर और टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड, कि आपने मटेरियल को कितना परचेज किया था. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, और आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है. अब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए हैं हमने यही प्रिपेयर किए हैं. द रीजन व्हाई आई हैव पिक्ड दिस क्वेश्चन इज नंबर पार्ट ए. आपने इस क्वेश्चन में कितना मटेरियल परचेज किया था पहले वो वैल्यू को खुद कैलकुलेट करना है. नॉर्मली हमें बताया जाता था कि आपका रॉ मटेरियल की ओपनिंग वैल्यू ये है, परचेजेस रॉ मटेरियल की इतनी हुई है और क्लोजिंग स्टॉक इतना है. बट इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग तो बताई है बट हमें परचेज नहीं बताई, और बोला गया है कि हमने कैलकुलेट करनी है परचेज. ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट दिस क्वेश्चन इज बीइंग पिक्ड, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आस्क्ड इन एग्जाम्स मेनी टाइम्स. अब इस पार्ट को कैलकुलेट किए बिना आपकी कॉस्ट शीट नहीं बन सकती. पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे एज पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट, और बाद में आपकी फाइनल कॉस्ट शीट बनेगी. अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? नॉर्मल वे से जैसे आप कॉस्ट शीट को बनाते हो वैसे ही आप एक रफ ड्राफ्ट बनाओगे कॉस्ट शीट का, रफ पैटर्न, और जहां जहां पर आपको जो जो आइटम दी है उसको पोस्ट करते जाना है, जो जो चीजें पेंडिंग है उसको पेंडिंग रहने दो. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. बट मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन में कॉस्ट शीट नहीं लिखा, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन के बिना आपकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर नहीं हो सकती. बनेगा ये फॉर्मेट कॉस्ट शीट में ही, बट इसकी कैलकुलेशन का जो नोट है वो यही जाएगा. अब सेम वे से जैसे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते थे, स्टार्टिंग में हम डालते थे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल की वैसे फिगर्स नहीं दी हुई, हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अगर स्क्रैप की एडजस्टमेंट होगी तो वो भी करेंगे, अगर कोई परचेज एक्सपेंस हुआ तो वो भी इसमें करेंगे, बट वो दोनों क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, सो आई हैव स्किप दैट पार्ट. अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग बताया गया है 8,000 और क्लोजिंग बोला गया है 10,600. तो इस पार्ट को हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं. ओपनिंग इज 8,000, क्लोजिंग इज 10,600, ये होगा आपका सब्ट्रैक्ट. अब परचेज तो है ही नहीं मेरे पास, वही तो मैंने कैलकुलेट करनी है. What I will do, I will assume that amount as X, कि वो फिगर मेरी X थी. तो अगर मैं इन तीनों का यहाँ पर सम निकालूँ, 8,000 प्लस X माइनस 10,600, 8,000 प्लस X माइनस 10,600, तो वो मेरी वैल्यू आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की. तो उसकी वैल्यू आप निकालोगे X माइनस 2600. आपका X एज इट इज रहा, 8,000 माइनस 10,600 हो जाएगा 2,600. ये आ गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है उसमें ऐड किए जाते हैं डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे को. अब चेक करते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 17,500. अमाउंट दी हुई है तो इसको नॉर्मली ले लेते हैं. सो ऐड डायरेक्ट लेबर, और क्वेश्चन में कहीं पर भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बताया है तो उसको स्किप कर देते हैं. सो एक्स माइनस 2600, उसमें ऐड हो जाएगा आपका 17,500 का एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर का. दोनों का एडिशन आएगा आपका
prime cost. Raw material consumed plus direct labor will give us prime cost. Okay, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? X आपका रहेगा as it is minus 2600 plus 17500. तो वो आपकी पॉजिटिव फिगर बन जाएगी प्लस 14900. X माइनस 2600 प्लस 1700 बन जाएगा X प्लस 14900. बेसिक मैथमेटिक्स है जो आप करके भी आए हो लास्ट ईयर भी. सो प्राइम कॉस्ट आ गई यहाँ पर. अब प्राइम कॉस्ट में ऐड किया जाता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स को या फिर आपके वर्क ओवरहेड्स को. तो अब उनको ऐड कर देते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है हमारे पास. प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बताया गया है? वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन दैट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 17500, जो हमने यहां पर पुट की है वैल्यू. वो क्या है? 175% है वर्क ओवरहेड का. तो मैं यहां से इस इंफॉर्मेशन से वर्क ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर सकती हूँ. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में अब यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करें? वी आर गिवन कि जो ये वैल्यू है 17500, ये इनका 175% है. दैट मीन्स जो 17500 मुझे डायरेक्ट लेबर दी गई है वो मुझे दी गई है 175%, बट मुझे निकालनी है 100%. तो मैं यहाँ पर ये यूनिटरी मेथड अप्लाई करूँगी. आई एम रिपीटिंग, हमें बोला गया है कि जो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का 175% है. डायरेक्ट लेबर इज 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. दैट मीन्स अगर आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स 100 होंगे तो डायरेक्ट लेबर क्या हो जाएगी? 175. तो मैंने वही यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई किया. 17500 इज फॉर 175, व्हाट अबाउट 100? तो अगर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,000 की. यहाँ पर ये कट हो जाएगा तो इट विल बिकम 10,000. तो प्राइम कॉस्ट दिस प्लस दिस विल गिव अस नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ वर्क्स कॉस्ट. कौन सी आएगी हमारी? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स विल गिव अस वर्क्स कॉस्ट. तो ये हो जाएगी यहाँ पर 10,000 प्लस एक्स प्लस 14,900, दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 24,900. नाउ नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग बताया है. दैट मीन्स यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा. और जो वैल्यू ये निकल कर आई है ये आपकी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट होगी. अभी आप नेट वर्क्स कॉस्ट खुद कैलकुलेट करोगे. तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो हेयर आई हैव एडेड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया. दोनों की वैल्यूज पोस्ट की, -4000 इन दोनों का आंसर आ रहा है. अब अगर हम वर्क्स कॉस्ट में इसको एडजस्ट करेंगे वी विल गेट वर्क्स कॉस्ट, बट वो वर्क्स कॉस्ट होगी आपकी नेट वर्क्स कॉस्ट, और यू कैन से दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप. अगर यहाँ पर एडजस्ट करें ये बन जाएगा एक्स प्लस 20,900. 24,900 माइनस 4,000 विल गिव अस 20,900 और बाकी का आपका एक्स कॉम्पोनेंट आ गया. अब इसके बाद वर्क्स कॉस्ट में एडजस्ट किया जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को. सो प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस अब उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमें बोले गए हैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर 2500. तो इसको पोस्ट कर देते हैं. दीज आर 2500 एक्सपेंसेस. नाउ वी विल एड इट हेयर. सो वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये हमें अब देगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो से पहले आया था वो नेट कॉस्ट था विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर अब यहाँ पर इसको ऐड करें 20,900 प्लस 2500 दैट इज इक्वल टू 23,400. सो एक्स प्लस 23,400. एक्स आपका एज इट इज चल रहा है 2900 में, 2500 हमने ऐड कर दिया 23,400. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आ गई हमारी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट होती है वो होती है आपके फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग की. तो उनको हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर. फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग बताए गए हैं 17,600 एंड 19,000. तो इनको ट्रीट कर देते हैं. सो आई हैव डन दैट पार्ट. ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर दिया और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. दोनों का जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो 1400 आपकी नेगेटिव फिगर आ रही है. इसको यहाँ पर अब एडजस्ट कर देंगे. एक्स प्लस दिस माइनस दिस, तो ये आपकी फिगर आ जाएगी एक्स प्लस 22,000.
और वो वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी यहां तक तो वैल्यू आ गई हमारे पास, यहां से अब कैसे सॉल्व करना है आपको सो दैट आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो टर्न अप हो जाए, क्योंकि हमें तो बताया गया है कि सेल्स हमारी 75,000 की हैं, तो और सेलिंग एक्सपेंसेस भी बताए गए हैं 3,500 के। हमें क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन थी कि COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज 56,000, मतलब जो मेरे पास यहाँ पर ये COGS आया है अगर मैं इसमें से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर दूँ तो मेरी जो वैल्यू होगी COGS की वो आनी चाहिए 56,000 के इक्वल। तो यहीं से ही मेरी एक्स की वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहां से हम इस फिगर को पिक करेंगे। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस अमाउंट हियर, और ये आप अलग से ही सॉल्व करोगे। व्हाट आई हैव डन, आई हैव पिक दिस अमाउंट जो आपने COGS निकाला था जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं, मैंने उनको लिख लिया। अब मैं अगर इसमें से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर दूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे आपके 2,500 के, तो मैं यहाँ से उस अमाउंट को माइनस कर देती हूँ 2,500 को, तो वो जो मेरी वैल्यू आएगी वट एवर दैट वैल्यू विल बी, अगेन उसको हम कोट करेंगे एक्स की टर्म्स में, 22,000 माइनस 2,500 इट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 19,500। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि जो भी COGS है जो आपका विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है जो हमने अभी निकाला है, दिस इज आर COGS विच इज एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तभी हमने इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मतलब ये पार्ट इज इक्वल टू 56,000, दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। अब यहां से इजीली आप एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, वो आ जाएगा आपका 36,500, और हमने एक्स किसको अज्यूम किया था, इट वॉज द वैल्यू ऑफ रॉ मटीरियल परचेस्ड। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटीरियल परचेस्ड, ये आपका सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है सेकेंड पार्ट के लिए, दोबारा से ये सारे के सारे क्वेश्चन को एज इट इज परफॉर्म करना। डिफरेंस क्या होगा, एक्स की जगह अब आप 36,500 लोगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया, 8,000 प्लस 36,500 माइनस 10,600, जैसे आपका नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होता था आप वैसे ही उसको सॉल्व करोगे। सेल्स दी हुई हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो भी आप इसमें कैलकुलेट करोगे। दैट पार्ट इज इम्पॉर्टेंट बट वेरी इजी, सो वो आपका होमवर्क का पार्ट है, उसका जो भी आंसर होगा आई विल शेयर इन आर नेक्स्ट लाइव क्लास जब भी वो शेड्यूल की जाएगी। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर ओन, कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड देन गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट डाउट सेशन। थैंक यू।